नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिजाइनिंग में। यह है ऑटो कैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 20। इस वीडियो में हम इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे कि डायमेंशंस कहाँ पर है और डायग्राम कैसी है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर दो सर्कल्स बना है R8 और R18 के। तो बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दिया गया है 40, तो इसे हम वर्टिकली कॉपी करेंगे या फिर डाउन की तरफ कॉपी करेंगे। वहाँ से हमें रेफरेंस दे दिया गया है 108 का, तो सिंपल हम स्ट्रेट ऑरिजेंटल एक लाइन बनाएंगे। वहाँ से रेफरेंस बनाते हैं हमें वर्टिकल लाइन 60 करनी है और यहाँ पे एंगुलर 60 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है इंक्लाइन, और यहाँ से R34 की रेडियस जो एक वर्टिकल लाइन में हमें रेफरेंस दे दिया गया है यहाँ से 30 पे, यहाँ पे मीट करती है और इस वर्टिकल लाइन और इस इंक्लाइन लाइन को यहाँ पे टच करती हो। यहाँ पे दो फिलेट्स दे दिए हैं, उसे हम अचीव करेंगे, डायग्राम को डायमेंशन देंगे और डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड और अप्रोक्सीमेटली सेंटर पॉइंट जो है हम कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे। R8 सेम सेंटर के साथ हमें और सर्कल ड्रॉ करना है R18 का, तो इन सर्कल को हम कॉपी करेंगे टू द डाउनवर्ड। मेक श्योर कि ऑर्थोमोड हमारा ऑन है, तो स्ट्रेट वर्टिकली हमें आना है 40 mm टू द डाउन साइड। अब देखिए हमें यहाँ से रेफरेंस दे दिया गया है जो सेंटर के साथ है, यहाँ पे 108 बन रहा है। तो लेते हैं एक लाइन इस सेंटर लाइन से 108 एंटर। लेकिन हम गौर करेंगे तो इस सेंटर के साथ अप साइड पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे 9 mm दिया हुआ। तो सिंपल इस लाइन को हमें मूव करना है टू द अप साइड स्ट्रेट वर्टिकली 9 mm के लिए, और यहाँ से हमें स्ट्रेट डाउन आना है 60 mm के लिए। तो लेते हैं लाइन टूल और यहाँ से हमें डाउनलोड में आता है 60 mm। अब हमें यहाँ पे देखिए इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है जो वर्टिकल लाइन को 60 डिग्री बनाती है। तो फर्स्ट हम F8 की मदद से ऑटोमोड को डिजेबल कर देंगे ताकि डिग्री की लाइन जो हमें क्लियर दिखाई दे दे। अगर हम मान लें कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 0 पॉइंट से यहाँ से, तो वर्टिकल तक हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, और यहाँ से हमें और 60 डिग्री आना है तो 90 + 60 यानी कि हमें 150 टोटल एंगल यहाँ पे लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली कर्सल को हम इस प्रकार से सेट करेंगे, टैप की को प्रेस करेंगे तो हमारा डायमेंशन स्विच हो जाएगा डिग्री के लिए, और यहाँ पे हम 150 डिग्री एंटर कर देंगे। तो कुछ हमारी लाइन जो है इस प्रकार से यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। तो सिंपल हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें R34 की एक रेडियस ड्रॉ करनी है। तो सिंपल हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें आना है टू द राइट साइड स्ट्रेट 34 mm के लिए, ताकि हमें यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिल जाए जो इस आर्क का सेंटर पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब लेते हैं सर्कल, इस एंड पॉइंट के साथ हम सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ पे इस एंड पॉइंट तक टच कर देंगे ताकि हमें R34 की रेडियस यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली हमें यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो सिंपल इस लाइन को हम कॉपी करेंगे टू द राइट साइड। मेक श्योर कि ऑटोमोड हमारा ऑन है, और लेफ्ट साइड पे हमें आना है 30 mm, देन एंटर करना है। तो यहाँ पे 30 mm में वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब लेते हैं ट्रिम टूल TR double enter और अनवांटेड एजेस जो है वो हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक वर्टिकल लाइन बनानी है, तो लेते हैं लाइन टूल, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे बना दी है। सिमिलरली हमें इनर वाले सर्कल के लिए क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइंस यहाँ पे दो वर्टिकली ड्रॉ करने हैं कुछ इस प्रकार से। अब लेते हैं ट्रिम टूल डबल एंटर के साथ अनवांटेड एजेस जो है वो हम यहाँ से 1 by 1 ट्रिम कर देंगे। मेक श्योर कि हम परफेक्टली हमें अनवांटेड एज ही हम यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अनवांटेड रेफरेंस भी हम यहाँ से इरेज कर देंगे तो हमारा जो लाइन वर्क है वो सुटेबल और क्लियर यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं फिलेट और वैल्यू हम दे देते हैं 10 की इंटर, तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे फिलेट मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट फिलेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम एक सेटिंग करेंगे ताकि हमें जो कॉर्नर पॉइंट है वो डायमेंशन के लिए यहाँ पे हमें मिल जाए। तो हम फिलेट के लिए हम जब एंटर करेंगे तो फिलेट करने के बाद रेडियस जो देते हैं उसके बाद हम R6 लेंगे, और जैसे ही फिलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ से चला जाएगा। अगर आपको फिलेट भी बनानी है और जो लाइन है वो ट्रिम ना हो तो उसके लिए हमें ट्रिम मोड को सेट करना है। जैसे हम ट्रिम मोड कमांड लेंगे तो
तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, तो इसे हम सिंपल 0 कर देंगे ताकि ट्रिम मोड हमारा डिजेबल्ड हो जाए। अब लेते हैं देखिए फिलेट रेडियस कंफर्म करते हैं 6 है, एंटर, और इस बार हम इन दो लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारी जो फिलेट बन के रेडी है, लेकिन जो लाइन्स है वो यहाँ पे ट्रिम बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप अचीव कर सकते हैं, अगर आपको एक्सटेंडेड लाइन चाहिए और आपकी फिलेट भी यहाँ पे चाहिए तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स की जो लाइन वेट है यहाँ पे बढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ देखिए इस एक्सटेंडेड की हमें लाइन वेट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो सिंपल हम इन्हें ट्रिम कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे डायमेंशन देने के टाइप इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लाइन वर्क कम्प्लीट होने के बाद देते हैं सेंटर मार्क्स, तो कुछ इस प्रकार से हम सेंटर मार्क्स यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और इन सेंटर मार्क्स को हम कलर देंगे रेड। अब देते हैं डायमेंशन 1x1, देते हैं लीनियर डायमेंशन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे दे देते हैं, सेंटर टू एंड पॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ से वर्टिकल लाइन टू वर्टिकल लाइन 30, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे देखिए यही पे हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एफेक्ट की मदद से हम यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट ट्रैक करेंगे यहाँ से इसके लिए, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 60 का डायमेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से लेते लीनियर डायमेंशन और यहाँ से अपसाइड के लिए डायमेंशन देंगे 9 mm का। अब लेते हैं डायमेंशन रेडियस जो है यहाँ पे R8, R18, R34, R6 और यहाँ पे R10 के लिए। अब देते हैं एंगुलर डायमेंशंस, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंगुलर और इसे हम वर्टिकल लाइन के साथ और इंक्लाइन लाइन के साथ यहाँ पे बीच में यहाँ पे डायमेंशन रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स और सारे कमांड आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।